नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके महाकुंभ में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया है कि मैं आपको लाइब्रेरी साइंस के प्रोविजनल 60 मॉडल पेपर प्रोवाइड कराऊंगा। 60 मॉडल पेपर, आप समझ सकते हैं 60 मॉडल पेपर का मतलब हो गया समथिंग 6000 प्रश्न, समथिंग 6000, किसी में थोड़ा बहुत कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। जैसे राजस्थान टेक्निकल का आप देख सकते हैं टेक्निकल लाइब्रेरियन, उसमें शायद जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 150 क्वेश्चन थे, तो राउंड फिगर 100 क्वेश्चन जो है सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं, किसी शायद किसी किसी में पूछ लिया जाता है 150, लेकिन जो है जैसे इसरो का है तो इसरो में आप देख सकते हैं कि इसरो में मात्र जो है 60 प्रश्न ही पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ आज का टॉपिक। तो आज जो है मैं आज जो पेपर आप सभी के सामने लेके आया हूँ, और ये पेपर मैं आपको बताऊँ सेकेंड ग्रेड यानी कि RPSC राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा कराया गया था 2019 में। इसकी डेट जो है आप देख ही सकते हैं कि 2/8/2020 को कराया गया था। तो आज इस क्वेश्चन को पूरा एक ही वीडियो में, क्योंकि मैं उस तरीके से नहीं आपको करना चाहता कि आपका समय बर्बाद हो, मैं पूरे क्वेश्चन एक ही टॉपिक में कंप्लीट कराना चाहता हूं, ताकि आपका समय कम लगे और आप इधर से उधर भटकने से अच्छा है कि एक ही जगह पे सब कुछ प्रोवाइड करवा पाऊँ। ये छोटा सा एक प्रयास है आप सभी भाइयों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन से मॉडल पेपर की वीडियोस चाहिए। मैं आपको प्रोवाइड कराने की पूरी भरसक कोशिश करूंगा, और लाइब्रेरी साइंस के इम्प्लॉयमेंट न्यूज़ तो आप चैनल पे देख ही रहे हैं, तो रोज़गार समाचार भी मिल रहा है, साथ ही साथ आपको स्टडी मटेरियल एग्ज़ाम का मिल रहा है। बहुत जल्द मैं आप सभी के लिए BLIV MLIV क्वेश्चन आंसर भी तैयार करवाऊंगा। तो चलिए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को। तो एक बार फिर से थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं, इसमें जो है टोटल 150 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 क्वेश्चंस जो है लाइब्रेरी साइंस के रहेंगे, जिसके लिए एक प्रश्नों के लिए आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। इसमें जो है निगेटिव मार्किंग भी थी, यानी कि 1/3, आप यहाँ देख सकते हैं 1/3 भाग जो है काटा जाएगा, दिया गया है। ये सारी चीज़ों को आप एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो जो है साफ ना समझ में आए तो वीडियो की रेजोल्यूशन जो है 480 कर लीजिएगा, क्योंकि 480 में मैंने वीडियो को जो है बना रखा है, तो आप उसे कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए। पहला प्रश्न आपके सामने है, राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि कह रहा है कि RRLF जो है उसका मोटिव क्या है। ऑप्शन है राजकीय पुस्तकालय को प्रोन्नत करना, दूसरा है शैक्षणिक पुस्तकालय सेवाओं को प्रोन्नत करना, तीसरा है तकनीकी पुस्तकालय सेवाओं को प्रोन्नत करना, या चौथा है सार्वजनिक पुस्तकालय सेवाओं को प्रोन्नत करना। तो आप सभी जानते ही हैं कि राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी जो है वो पब्लिक लाइब्रेरी यानी कि जो सार्वजनिक पुस्तकालय होता है उसके उत्थान के लिए कार्य करती है। इसमें कुछ मैचिंग अनुदानों का जिक्र किया गया है, जैसे 90:10, 60:40, 50:50, इस तरीके का जिक्र किया गया है, तो उसे आप देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें किसी क्वेश्चन टू क्वेश्चन करूँगा, नहीं तो आप कहोगे कि सर सीधा क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, आप इधर से उधर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, मैं सीधा क्वेश्चन पे ही चलूँगा। थोड़ा सा राजा राम मोहन राय को आप अगर नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। इनकी 200वें वर्ष जन्मदिन पर जो है इसको जो है लागू किया गया 1972, राजा राम मोहन राय प्रतिष्ठान को। चलिए अगला प्रश्न है, प्रकाशनों की सार्वभौमिक उपलब्धता UAP यानी कि यूनिवर्सल एबिलिटी, यहाँ पे दिया भी है इंग्लिश में यूनिवर्सल एबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन, इसका पूरा नाम है, और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिए। इसको भी आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा, नहीं तो सब कुछ यहीं पे रहेगा, आप फिर से देख सकते हैं, ठीक है। ये भी है, ये पूछा जाता है कि UAP का पूरा नाम क्या है।
तो प्रकाशनों की सार्वभौमिक उपलब्धता यानी कि यूएपी कार्यक्रम किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके हैं इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन इफ्ला, दूसरा है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी कि आईएलए, तीसरा इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर यानी कि आईएसएलए, चौथा है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी कि आईएलए। तो यूएपी की सार्वभौमिक उपलब्धता जो है मैं बताऊँगा आपको, तो ये इफ्ला का कार्यक्रम है। इफ्ला का पूरा नाम इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन है, और इस तरीके से प्रश्न जो है घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, तो आप इफ्ला को जो है पूरा देखिएगा। इफ्ला जो है मैंने शायद जहाँ तक मुझे याद है मैंने जो है चैनल पे डाल भी दिया है, तो उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी यानी कि आईएलए की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है 1933, 1931, 1935 या 1928। आप भी कमेंट करके लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इसमें से कितने प्रश्न आ रहे हैं, और ये बहुत ही बेनिफिट अच्छा होता है कि हमारी तैयारी जो है इससे पता चलता है कि हमको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर है 1933 में सितंबर में की गई थी, 12 सितंबर को सम्मेलन हुआ था, 13 सितंबर को जो है इसे लागू किया गया था, और इसमें रंगनाथन का योगदान रहा। आगे देखते हैं 4 नंबर, अमेरिकन पुस्तकालय संघ का मुख्यालय किस स्थान पे है यानी कि एएलए का जो हेड ऑफिस है वह कहाँ पे है? ऑप्शन है ह्यूस्टन, लॉस एंजलिस, शिकागो, न्यूयॉर्क, 1, 2, 3, 4। तो 4 का राइट आंसर की अगर बात करूं तो इसका ऑफिस शिकागो में है। एएलए की स्थापना जैसे पूछता है एएलए की स्थापना, तो एएलए की स्थापना मेलवी डेवी के द्वारा, मेलवी डेवी याद रखिएगा, और जो है ये 1800 DDC ये, और लाइब्रेरी जनरल जो पत्रिका है मेलवी डेवी के द्वारा, लाइब्रेरी जनरल, ये सभी जो है एक ही सन में किए गए थे 1876। अगला प्रश्न है पुस्तकालय कंसोर्टियम क्या है? पुस्तकालय कंसोर्टियम क्या है? ऑप्शन आपके हैं पहला नेटवर्क द्वारा अन्य पुस्तकालयों में उपलब्ध संसाधनों एवं सूचनाओं का साझाकरण, ऑप्शन 2 ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, नंबर 3 वर्गीकरण, नंबर 4 24 घंटे पुस्तकालय सेवा, 5। तो राइट आंसर है पुस्तकालय कंसोर्टियम जो है नेटवर्कों द्वारा अन्य पुस्तकालयों में उपलब्ध संसाधनों एवं सूचनाओं का साझाकरण करना है। अगला प्रश्न देखते हैं, और बहुत ही अच्छा प्रश्न आया था आरपीएससी के द्वारा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, इसमें तो संदेह नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो 6 नंबर है स्वतंत्रता से पूर्व बड़ौदा राज्य में पुस्तकालय के विकास हेतु पुस्तकालय आंदोलन में किसका योगदान रहा? ऑप्शन है 1 महाराजा रणजीत सिंह, ऑप्शन 2 सियाजी राय गायकवाड़ थर्ड है, नंबर 3 महाराजा मल्हार राव गायकवाड़, नंबर 4 महाराजा फतेह सिंह राव गायकवाड़। तो इसके राइट आंसर की मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर है महाराजा सियाजी राय गायकवाड़ थर्ड रहे। आपको पता होगा कि 1910 में डब्ल्यू ए बॉर्डन को जो है बड़ौदा नरेश द्वारा जो है बुलाया गया था, और ये मेलवी डेवी के शिष्य थे, और इन्होंने ही 1911 में लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में कार्य करना शुरू किया था। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह मनाया जाता है, पुस्तकालय सप्ताह पूछ रहा है, पहला है 14 से 20 अगस्त, नंबर 2 है 14 से 20 जुलाई, 3 है 14 से 20 नवंबर, 3 है माफ कीजिए 4 है 14 से 20 दिसंबर। तो इसके राइट आंसर की बात करूं तो 14 से 20 नवंबर को जो है पुस्तकालय सप्ताह मनाया जाता है।
थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल आप जान लीजिए। पुस्तकालय सप्ताह का आयोजन जो है 1968 से ILA के द्वारा कराया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अमेरिका में पुस्तकालय सप्ताह का आयोजन कौन करता है, तो जैसे ये भारत में करता है ILA, वैसे ही अमेरिका में ALA के द्वारा कराया जाता है। लेकिन वर्ष यहाँ पर 1958 है और वहाँ पर वर्ष हो जाएगा 1958, यहाँ पर 68 है, यहाँ पर 58 हो जाएगा, यानी कि 10 साल पहले अमेरिका मनाना शुरू कर दिया था पुस्तकालय सप्ताह का आयोजन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 8 नंबर, पुस्तकालय में पुस्तकों से संबंधित रिकॉर्ड किस पंजिका में उपलब्ध होता है? ऑप्शन है 1 आदान प्रदान पंजिका, 2 छटाई पंजिका, 3 भंडार पंजिका, 4 परिग्रहण पंजिका। तो लाइब्रेरी का अस्थाई रिकॉर्ड होता है परिग्रहण पंजिका, लाइब्रेरी का सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और एक चीज़ आपको बता दूं, KBS के एग्ज़ाम में पूछा गया था, ऐसा कौन सा पुस्तकालय से संबंधित रिकॉर्ड है जो पुस्तकालय से बाहर नहीं ले जाया जाता है, तो परिग्रहण पंजिका ही है। एसेसरिंग रजिस्टर है। अगला प्रश्न है, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट 1954 में कौन से वर्ष में संशोधन करके समाचार पत्रों को सम्मिलित किया गया? ऑप्शन आपके हैं 1 1955, 2 1956, 3 1957, 4 1958, बताइए। तो राइट आंसर 9 का है, ऑप्शन 2 1956। इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, लाइब्रेरी ए बुक एक्ट तो 1954 में किया गया, 1956 में इसमें जो है पत्र पत्रिकाओं को यानी पीरियोडिकल्स को जो है सम्मिलित कर दिया गया था, इसीलिए पहला संशोधन जो है 2 साल बाद ही किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, थोड़ा ये बड़ा प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान संचार तथा सूचना स्रोत संस्थान यानी कि निस्केयर निम्न में से किन 2 संस्थानों को विलय कर बनाया गया, यानी कि निस्केयर की स्थापना जो है किसके साथ मिलकर की गई थी? आपको ध्यान ही होगा 2002 में किया गया था, 2002 में इसे जो है मिलाया गया था। ऑप्शन पहले बता दे रहा हूँ, उसके बाद आप देख लीजिएगा। तो पहला है निस्कॉम और नेशडॉक को मिला के, दूसरा है नेशडॉक और इंसडॉक को मिला के, तीसरा है निस्कॉम और इंसडॉक को मिला के, चौथा है नेशडॉक और निस्कॉम को मिला के, बताइए किसके साथ की गई थी? तो दोस्तों इसके राइट आंसर की मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रीय विज्ञान एवं संचार संस्थान यानी कि निस्कॉम और इंसडॉक का पूरा नाम भी देख लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र को मिला के जो है इसकी स्थापना की गई थी, और इसका मुख्यालय निस्केयर का दिल्ली में स्थित है, और ये 2002 में मिला दिया गया था। अगला प्रश्न है, मार्क 21 में टैग 216 किसको दर्शाता है? पहला है प्रसंस्करण को, दूसरा है प्रकाशन की सूचना को, तीसरा है भौतिक विवरण को, चौथा है सामायिक विषय शीर्षक को, किसको दर्शाता है बताइए? राइट आंसर प्रकाशन की सूचना को मार्क 21 दर्शाता है। अगला प्रश्न है किसी पुस्तक के बारे में मुख्य सूचनाएं आप किस प्रविष्टि से प्राप्त करेंगे? ऑप्शन है विषय प्रविष्टि, दूसरा है मुख्य प्रविष्टि, तीसरा है प्रति संदर्भ प्रविष्टि, चौथा है वर्ग निर्देशी प्रविष्टि। 12 का राइट आंसर दीजिए। तो राइट आंसर आप लोग भी कोशिश करते रहिए, राइट आंसर 2 मुख्य प्रविष्टि में। अगला प्रश्न है 13 नंबर, शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग में प्रयुक्त BT प्रतीक क्या दर्शाता है? 1 ब्लॉक टर्म, 2 बेस टर्म, 3 बॉर्डर टर्म, 4
बैक टर्म 13। राइट आंसर है ऑप्शन 3 बॉटम टर्म, बॉर्डर टर्म जो होता है दर्शाता है। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय की प्रविष्टियों हेतु सूची कार्ड का मानक आकार क्या होता है? मानक आकार पूछ रहा है। पहला है 12 से 7 सेंटीमीटर, दूसरा है 12.5 से 7.5, तीसरा है 11.5 से 7.5, चौथा है 11.5 से 7। इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 12.5 से 7.5, यानी कि 5 × 3 इंच होता है। अगला प्रश्न, अवधि 1987 से 2019 को द्वि बिंदु वर्गीकरण पद्धति के अनुसार किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे? ऑप्शन है 1987 से 2090, दूसरा है 2090 से 1987, तीसरा है N87 से P90, चौथा है P90 से N87। 15, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 P90 से N87। अगला प्रश्न है, द्वि बिंदु वर्गीकरण पद्धति में किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया जाता है? पहला है शुद्ध अंकन का, दूसरा है मिश्रित अंकन का, तीसरा है समूह अंकन का, चौथा है अंक अंकन का। 16, तो राइट आंसर है द्वि बिंदु वर्गीकरण में मिश्रित अंकन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, द्वि बिंदु वर्गीकरण के अनुसार ओ साहित्य में दिए गए पक्ष सूत्र में पी फैक्ट किस पद को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है 1 लेखक, दूसरा है साहित्य का प्रकार, तीसरा है भाषा, चौथा है संस्करण। राइट आंसर है पी जो है भाषा को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है 18 नंबर, निम्न वर्गीकरण प्रणालियों को उनके प्रथम प्रकाशित वर्ष के अनुसार लगाइए, यानी कि पहले जो है कौन प्रकाशित हुआ था इसी के अकॉर्डिंग लगाना है। 18 है तो DDC आपको बताना है, UDC बताना है, CC बताना है, बिब्लियोग्राफिक वर्गीकरण प्रणाली को बताना है कि कौन पहले आया था। आप इसको ज़रा देख लीजिए एक बार, फिर मैं बताता हूँ। इसके राइट आंसर हैं ऑप्शन 2। तो आप देख सकते हैं कि DDC का प्रकाशन जो है, आप सभी को पता है DDC का प्रकाशन जो है 1876 में होगा, मैं ऊपर ही बता चुका हूँ मेलविन डेवी के द्वारा। उसके बाद बी का एक UDC 1895 DDC के 5वें संस्करण पर आधारित रहेगा, इस चीज़ को देख लीजिएगा। कोलन क्लासिफिकेशन 1933 है, बाकी इनको मिला लीजिए। अगला प्रश्न है, द्विबिंदी वर्गीकरण के अनुसार प्रधानमंत्री की जीवनी का वर्गांक बनाने के लिए किस पूर्ववर्ती समान एकल यानी कि ACI का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है पहला V, दूसरा W, तीसरा YX, Y7, चौथा K। 19, तो राइट आंसर है Y7। अगला प्रश्न है, श्रृंखला प्रक्रिया में किसी डॉक्यूमेंट की सब्जेक्ट हेडिंग को किससे बनाया जाता है? ऑप्शन है पहला प्रलेख की क्रमांक संख्या, दूसरा है प्रलेख की वर्ग संख्या, तीसरा है प्रलेख की संग्रह संख्या, चौथा है प्रलेख की परिग्रहण संख्या। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 प्रलेख की वर्ग संख्या, 20 का राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जब विचार व्यवस्थित हो जाते हैं तो एक डैश बनता है, क्या बनता है? पहला है एकल, दूसरा विषय, तीसरा ज्ञान, चौथा शब्द। 21, तो राइट आंसर विषय, जब विचार व्यवस्थित हो जाते हैं तो एक विषय बनता है। अगला प्रश्न है, किसी पुस्तक की वर्गांक संख्या क्या दर्शाती है? ऑप्शन है 1 पुस्तक की श्रेणी,
दो पुस्तक का विषय है, तीन पुस्तक का आकार, चार पुस्तक का संग्रह। दोस्तों ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज कब से चलाई जाए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज की तैयारी शुरू की जाए। आप बताइएगा उसके बाद काम फिर शुरू किया जाए उस पर, क्योंकि टेस्ट बहुत ही ज़रूरी है सभी के लिए। तो 22 के राइट आंसर की बात करें तो 22 का राइट आंसर है पुस्तक का विषय। अगला प्रश्न है डेविड डेसिमल वर्गीकरण का 21वां संस्करण कितने खंडों में है। 19वां भी कभी कभी पूछ देता है, इस तरीके से कई क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो अगर आप पुराने प्रश्नों को देख लेते हैं तो आपका बहुत बेनिफिट हो जाएगा। पहला है 4 खंड, दूसरा है 2 खंड, तीसरा है 3 खंड, चौथा है 5 खंड। तो राइट आंसर है DDC का 21वां संस्करण जो है वह 4 खंडों में विभक्त है, ऑप्शन नंबर 1 सही है, 23 का राइट आंसर 1। अगला प्रश्न है AACR 2 में एक व्यावसायिक प्रकाशक द्वारा प्रकाशित क्रमिक प्रकाशन के लिए मुख्य प्रविष्टि निम्नानुसार होगी। पहला है निगमित निकाय यानी कि कॉरपोरेट बॉडी, दूसरा है शीर्षक यानी कि टाइटल, तीसरा है संपादक एडिटर, या इनमें से कोई भी नहीं। 24 तो राइट आंसर है शीर्षक। अगला प्रश्न है द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति के अनुसार एक किताब के निम्न सूत्र में सी क्या प्रदर्शित करता है, सी जो है क्या प्रदर्शित करता है। पहला है वर्ग संख्या, दूसरा है प्रति संख्या, तीसरा है संग्रह संख्या, चौथा है पुस्तक आलोचना। बताइए 25 तो राइट आंसर है प्रति संख्या। अगला प्रश्न है ओपेक का पूरा नाम क्या है, OPAC ओपेक इसको कहते हैं, का पूरा नाम क्या है। पहला है ऑनलाइन प्राइवेट एक्सेस कैटलॉग कट, ये है ही नहीं। दूसरा है ऑफलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, ऑफलाइन भी नहीं है। तीसरा है ऑनलाइन पर्सनल एक्सेस कैटलॉग, पर्सनल का तो कहीं पे कोई जिक्र ही नहीं है। चौथा है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, राइट आंसर 4। अगला प्रश्न है 27 वर्तमान में ISBN अंतर्राष्ट्रीय मानक बुक पुस्तक संख्या यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर में कितने संख्या होते हैं, ऑप्शन 1 11 2 12 3 13 4 14। 27 का राइट आंसर, तो राइट आंसर है 13। इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, 2007 1 जनवरी से पहले जो है यह 10 अंकों का होता था, यानी कि 31 दिसंबर 2006 तक जो है ये MPPCS का जो एग्ज़ाम हुआ था मुझे याद है जहाँ तक, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि 31 दिसंबर 2006 तक ISBN कितने अंकों का होता था। ये चीज़ को ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछेगा आपसे इधर उधर कर लेगा बस, और इसका जो है RRRLF के द्वारा जो है इसे प्रोवाइड कराया जाता है और इसका कार्यालय जो है न्यू दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है 28 नंबर, सूची जिनमें कुछ प्रविष्टियां प्रमुख संख्या में या कुछ प्रविष्टियां शब्द में हों, ऐसी सूची को SR रंगनाथन के CCC कोड के अनुसार क्या कहा जाता है। ऑप्शन है वर्णानुक्रम सूची, दूसरा है वर्गीकरण सूची, तीसरा विषय सूची, चौथा है शब्द कोश सूची। तो राइट आंसर है वर्गीकृत सूची, ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न है एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल 2 यानी कि AACR 2 का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ। ऑप्शन है 1967 1968 1977 1978। 29 राइट आंसर 1978 में हुआ। अगला प्रश्न है 30 नंबर, किसी पुस्तक का पुनः पर्याप्त परिवर्तन या अतिरिक्त पाठ्य सामग्री के साथ प्रकाशन क्या कहलाता है। ऑप्शन है 1 मुद्रण पुनः मुद्रण, दूसरा है बहुखंड पुस्तक, तीसरा है संस्करण, चौथा है अनुवादित पुस्तक।
30 का राइट आंसर। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन 30, माफ कीजिए ऑप्शन 3 संस्करण। अगला प्रश्न है 3 नंबर, द्विबिंदी वर्गीकरण में अंत पंक्ति दशा संबंध का उपयोग निम्न में से किसमें संबंध प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन 1 2 मुख्य वर्ग के लिए, ऑप्शन 2 1 मुख्य वर्ग, 1 पक्ष, 2 पंक्ति संख्याएं एवं उसी पंक्ति में ही, 3 1 मुख्य वर्ग, 2 पक्ष, 2 पंक्ति संख्या, 4 1 मुख्य वर्ग, 2 पक्ष, 2 श्रृंखला एकल। तो इसके राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर ऑप्शन 2 है, 1 मुख्य वर्ग, 1 पक्ष, 2 पंक्ति संख्याएं, 1 उसी पंक्ति में ही। अगला प्रश्न है 32 नंबर, निम्न में से कौन सा प्रलेखीय सूचना स्रोत नहीं है। पहला है शोध विनिबंध, दूसरा है शोध प्रतिवेदन, तीसरा है सम्मेलन पत्र, चौथा है विश्वविद्यालय। राइट आंसर है विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, यह किसका कथन है कि संदर्भ सेवा पाठक एवं उसके प्रलेख के साथ मध्य व्यक्तिगत रूप से संपर्क स्थापित करने की प्रक्रिया है। पहला है मार्गेट हट चिंस, दूसरा है एस आर रंगनाथन, तीसरा है जेम्स आई वायर, चौथा है जोसेफ जेनेस। तो राइट आंसर है एस आर रंगनाथन महोदय का। अगला प्रश्न है, शोध पत्रिका में प्रकाशित लेख हैं क्या है। पहला है संदर्भ स्रोत, दूसरा है द्वितीयक स्रोत, तीसरा है प्राथमिक स्रोत, तीसरा है तृतीयक स्रोत। तो राइट आंसर है प्राथमिक स्रोत। अगला प्रश्न है 35, इंडिया हुज इज हु नई दिल्ली इंफ्रा पब्लिकेशंस किस प्रकार का सूचना स्रोत है। पहला है भौगोलिक स्रोत, दूसरा है जीवनी स्रोत, तीसरा है शोध प्रतिवेदन, चौथा है सम्मेलन कार्यवाहियां। 35 राइट आंसर ऑप्शन 2 जीवन स्रोत। अगला प्रश्न 36 नंबर, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन 1 राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता, ऑप्शन 2 भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय खड़गपुर, ऑप्शन 3 अन्ना शताब्दी पुस्तकालय चेन्नई, ऑप्शन 4 दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय दिल्ली। राइट आंसर राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता। INB की बात हो रही है यहाँ पे, ध्यान दीजिए। 37 नंबर है, बिब्लियोग्राफी यानी कि ग्रंथ सूची का जनक किसे कहा जाता है। पहला है ऑप्शन 1 पॉल आउटलेट, ऑप्शन 2 कर्नाड ग्रेशनर, ऑप्शन 3 JC ब्रेनेट, ऑप्शन 4 AC फोस्केट। ग्रंथ सूची का जनक किसे कहा जाता है। 37 राइट आंसर कर्नाड ग्रेशनर को कहा जाता है। यहाँ पे कॉनराड ग्रेशनर लिखा है लेकिन कर्नाड ग्रेशनर है ये। अगला प्रश्न है 38 नंबर, कौन सा ई स्रोत नहीं है। ई यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्रोत के बारे में पूछ रहा है। तो पहला है ई मैगजीन, दूसरा है संदर्भ डाटाबेस, तीसरा है मल्टीमीडिया उत्पाद, तीसरा है हस्तलिपि। तो इसका तो बहुत ही आसान है मेरे ख्याल से, हस्तलिपि। अगला प्रश्न है, सारकरण पत्रिकाएं किस तरह का स्रोत हैं। पहला है प्राथमिक स्रोत, दूसरा है द्वितीयक स्रोत, तीसरा है तृतीयक स्रोत, चौथा है अभ्यास संहिता। 39 राइट आंसर है ऑप्शन 2 द्वितीयक स्रोत। अगला प्रश्न है, इंडिया अ रेफरेंस एनुअल का प्रकाशन कौन करता है। पहला है भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र नई दिल्ली के द्वारा, 2 मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली के द्वारा, 3 राष्ट्रीय पुस्तक न्यास नई दिल्ली के द्वारा, 4 प्रकाशन विभाग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय नई दिल्ली के द्वारा। दोस्तों एक चीज़ के लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा कि मेरे कुछ पाठक ने जो है कहा है कि आपकी आवाज़ मतलब आप में आपके वीडियोस में नॉइस बहुत अधिक आती है,
उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहूँगा कि क्योंकि जस्ट बगल में हाईवे है और जो जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे रूम जो है थोड़ा गूंजता है, तो इसके लिए आप सभी लोग इस चीज़ को इग्नोर कर दीजिए। बाकी जो आप कहें मैं वो प्रोवाइड करने को तैयार हूँ, तो उसके लिए आप क्षमा करिए मुझे। तो 40 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है 41, पुस्तक के विषय का प्रतीकात्मक अनुवाद है, 1 पुस्तक नंबर, 2 स्थान कोड, 3 वर्ग संख्या, 4 संग्रह कोड। राइट आंसर वर्ग संख्या। अगला प्रश्न है लाइब्रेरी एसोसिएशन और उस देश के गलत संयोजन की पहचान करें जो ये हैं। पहला है पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन यूनाइटेड किंगडम, दूसरा है चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल यानी कि क्लिप, यानी कि क्लिप का निर्माण 2002 में हुआ है, ध्यान दीजिएगा। 3 है एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरी यानी कि यूनाइटेड स्टेट। 4 है सोसाइटी फॉर इंफॉर्मेशन साइंस भारत। कौन सा राइट आंसर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर यही है, सॉरी, यूनाइटेड किंगडम वाला पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये रॉन्ग है। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम अनुकरण हेतु KWIC कीवर्ड इन करेक्ट शब्द किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन है SP लोहान, दूसरा है DH, तीसरा है FW लंकास्टर, 4 है SR रंगनाथन। तो इसके राइट आंसर की बात करो तो राइट आंसर है HP लोहान। अगला प्रश्न है भारतीय पुस्तकालय विज्ञान सार कौन प्रकाशित करता है? ऑप्शन है आपके, पहला है भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र, दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय, तीसरा है इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, 4 है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। 44, तो इसके राइट आंसर है ऑप्शन 3, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स। अगला प्रश्न है एकस्व क्या है, पेटेंट की बात हो रही है, पेटेंट क्या है और इसका जो है हैदराबाद 1970, ध्यान रखिएगा 1970 में और हैदराबाद। पहला है किसी भी प्रयोजन के लिए सरकार से किया गया अनुबंध, दूसरा है पुस्तकालय का प्रलेख, तीसरा है आविष्कारकर्ता उत्पादकता के द्वारा उनके आविष्कार उत्पाद के लिए सरकार से अनुबंध, 4 है प्रकाशनकर्ता एवं पुस्तकालय के मध्य अनुबंध। बताइए, तो इसके राइट आंसर की मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सरकार और उत्पादकता के मध्य एक अनुबंध होता है। अगला प्रश्न है रेफरेटिव जनरल क्या है? अब्स्ट्रैक्ट पीरियोडिकल है यानी कि सारकरणी पत्रिका है, दूसरा है अनुकरणीय पत्रिका है, तीसरा है अनुवादित पत्रिका, 4 है अनुकृतिकरण पत्रिका। कोई कोई आप समझ ही रहे हैं, कोई कोई जो है वर्ड ऐसे कठिन होते हैं हिंदी में कि जो समझ में ही नहीं आता कि हो क्या रहा है, इससे अच्छा तो इंग्लिश के जो है सही पड़ता है। तो 46 के राइट आंसर की बात करूं तो सारकरण पत्रिका है। अगला प्रश्न है कैलिबर शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों में पुस्तकालय के स्वचालन का कन्वेंशन किसके द्वारा आयोजित किया गया? ऑप्शन है डेलनेट, एग्रीनेट, कालिबनेट, एकेलिबनेट है, इन्फ्लिमनेट। 47, तो राइट आंसर है इन्फ्लिमनेट के द्वारा कैलिबर का किया गया। अगला प्रश्न है इन्फ्लिमनेट किस देश के विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों से संबंधित है? इंग्लैंड, भारत, रूस, अमेरिका। ये तो आप सभी को पता होगा भारत से संबंधित है। अगला प्रश्न है 49 नंबर, एक भाषा में प्रकाशित पाठ सामग्री को दूसरी भाषा में रूपांतरण रूपांतरणकर्ता को कहते हैं,
क्या कहते हैं, पहला है सूचीकरणकर्ता, दूसरा है वर्गीकरणकर्ता, तीसरा है सारांशकर्ता, चौथा है अनुवादक। 49 तो राइट आंसर है, अनुवादक कहा जाता है। अगला प्रश्न है 50 नंबर, OCLC का पूरा नाम क्या है। पहला है ऑनलाइन कम्युनिकेशन ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग, दूसरा है ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, तीसरा है ऑनलाइन क्लासिफाइड लाइब्रेरी कैटलॉग, चौथा है ऑनलाइन सेंटर ऑफ लाइब्रेरीज कमेटी। 50 के राइट आंसर की बात करूँ तो राइट आंसर है ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। अगला प्रश्न है 51, व्यापार ग्रंथ सूची क्या है। पहला है लेख ग्रंथ सूची की सूची, दूसरा है विशेष ग्रंथ सूची की सूची, तीसरा है व्यापार पुस्तकालय की पुस्तकों की सूची, तीसरा है पुस्तकों या मुद्रित सामग्रियों की सूची जो कि प्रकाशक या पुस्तक विक्रेता के पास देश में विक्रय हेतु उपलब्ध हो। 51 तो राइट आंसर है ऑप्शन 4। 52 नंबर, पुस्तकालय कर्मचारियों का वेतन किसका भाग है। पहला है प्लान बजट का, दूसरा है नो प्लान बजट का, तीसरा है जीरो बजट का, चौथा है अनुमानित बजट का। 52 तो इसका राइट आंसर है नो प्लान बजट। अगला प्रश्न है अधिकतम पाठकों के लिए न्यूनतम मूल्य पर सर्वोत्तम पुस्तक प्रदान करना पुस्तक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। पहला है JD ब्राउन, दूसरा है MacLR कोल्विन, तीसरा है SR रंगनाथन, चौथा है मेलवी डेवी। 53 तो राइट आंसर है मेलवी डेवी के द्वारा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। पहला है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, दूसरा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, तीसरा है आयुष मंत्रालय, चौथा है वित्त मंत्रालय। तो राइट आंसर है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अगला प्रश्न है सेल्फ सूची का मुख्य रूप से क्या उपयोग है। पहला है सूचीकरण, दूसरा है आदान प्रदान, तीसरा है स्टॉक सत्यापन, चौथा है वर्गीकरण। 55 के राइट आंसर की बात करूँ तो राइट आंसर है स्टॉक सत्यापन। अगला प्रश्न है ऐसी पुस्तकें जो महंगी एवं दुर्लभ हों उनके लिए किस प्रकार की जिल्दबंदी उपयुक्त रहती है। पहला है कपड़े की अर्ध जिल्दबंदी, दूसरा है कपड़े की पूर्ण जिल्दबंदी, तीसरा है कपड़े की अर्ध जिल्दबंदी, चौथा है चमड़े की पूर्ण जिल्दबंदी। 56 राइट आंसर है 56 का ऑप्शन 4, चमड़े की पूर्ण जिल्दबंदी। अगला प्रश्न है 57 प्रकाशकों द्वारा समय समय पर प्रकाशित की जाने वाली प्रकाशन सूचियाँ पुस्तकालय में किस कार्य हेतु उपयोगी हैं। पहला है पुस्तकों का चयन, दूसरा है पुस्तकालय वर्गीकरण, तीसरा है पुस्तकालय सूचीकरण, चौथा है पुस्तकालय सांख्यिकी। क्वेश्चन नंबर 57 का कौन सा सही है। तो राइट आंसर है ऑप्शन 1, पुस्तकों का चयन। अगला प्रश्न है 58, पुस्तकालय में पुस्तकालय शुल्क दान अक्षय निधि जुर्माना राशि और राजकीय अनुदान से प्राप्त राशि स्रोत किससे संबंधित है। पहला है पुस्तकालय प्रदर्शनी, दूसरा है पुस्तकालय फर्नीचर, तीसरा है पुस्तकालय संचार, चौथा है पुस्तकालय कोष। 58 का राइट आंसर, तो राइट आंसर है पुस्तकालय कोष। अगला प्रश्न है किसने प्रबंधन के सिद्धांतों का वर्णन किया है। पहला क्वेश्चन है मेलवी डेवी, दूसरा क्वेश्चन है FW लंकास्टर, तीसरा है हेनरी फ्योल, चौथा है यूजिन गारफील्ड। दोस्तों आपने जो है अशोक गहलोत सर का जो है स्टेटमेंट आपने देखा होगा, उन्होंने 2004 के बाद से जितने भी कर्मचारी हैं राज्य कर्मचारी उन सभी की पेंशन जो है पुरानी पेंशन पद्धति जो है लागू कर दी है, जिसके लिए वह बधाई के पात्र हैं, ताकि जो हमारे लाइब्रेरियन और टीचर्स भाई हैं उन सभी को इसका बेनिफिट मिलेगा, उन सभी को बहुत बहुत बधाई। तो 59 का राइट आंसर की बात करूं तो हेनरी फ्योल। अगला प्रश्न है 60, पुस्तकालय हेतु पुस्तकें खरीदने की निम्न प्रक्रियाओं में से सही प्रक्रिया का चयन कीजिए। तो भुगतान प्रक्रिया, क्रय
पुस्तक सत्यापन, पुस्तक चयन। क्या करेंगे? पहले आप भुगतान कर देंगे? नहीं। क्रय सीधा कर लेंगे? नहीं। पुस्तकों का सत्यापन ही कर लेंगे? नहीं। सबसे पहले आप क्या करते हैं? सबसे पहले हम किसी चीज़ का चयन करते हैं, है ना। उसके बाद फिर आगे का क्रय आदेश वगैरह हम देंगे। तो ये कौन सा क्वेश्चन है? 60 नंबर के राइट आंसर की बात करूँ तो 60 का राइट आंसर है 3 नंबर, यानी कि पहले का 4, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 1। इस तरीके से आप इसको थोड़ा मैं छोटा कर दे रहा हूँ, आप इसे एक बार देख लीजिएगा, है ना। तो 3 का जो है 4। तो पहले हम पुस्तकों का चयन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, क्रय यानी कि खरीदने के लिए आर्डर दे देंगे। फिर क्या करेंगे, आप पुस्तक का सत्यापन करेंगे, मिलाएंगे एक्सेसरिंग रजिस्टर में, वो एंट्री वगैरह जो होती हैं जिस क्रम में आएंगी वगैरह वगैरह, ये चीज़ देख लीजिएगा। उसके बाद हम इसका भुगतान करेंगे। अगला प्रश्न है, एकसठ नंबर, थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए। चयनित मापदंडों के आधार पर पुस्तकालय से पुस्तकों का व्यवस्थित निष्कासन क्या कहलाता है? पहला छटाई, दूसरा वर्गीकरण, तीसरा प्रलेखन, चौथा संग्रह। तो जाहिर सी बात है, छटाई, वेडिंग आउट। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय के संदर्भ में पोस्ट गौरव किससे संबंधित है? 62 किससे संबंधित है? ऑप्शन है, थोड़ा सा और छोटा कर लिया जाए, ऑप्शन है पुस्तक सूचीबद्ध, दूसरा है पुस्तकालय संदर्भ सेवा, तीसरा है पुस्तकालय प्रबंधन, चौथा है पुस्तकालय स्वचालन। तब तक आप इसको दिए, पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्शन, सीओ से कोऑर्डिनेशन, आर से रिपोर्टिंग, बी से बस्टिंग। पोस्ट कॉर्ब ध्यान दीजिएगा, 62। तो 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, पुस्तकालय प्रबंधन। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्त, एडमिनिस्ट्रेशन अलग होता है और मैनेजमेंट अलग होता है। ऑप्शन नंबर सॉरी माफ कीजिए 63 नंबर क्वेश्चन, एक निश्चित अवधि हेतु पुस्तकालय की अनुमानित आय और व्यय का लेखा कहलाता है, क्या कहलाता है? एक पुस्तकालय शुल्क, दूसरा पुस्तकालय बजट, तीसरा पुस्तकालय अक्षय निधि, चौथा पुस्तकालय प्रतिवेदन। बताइए 63। तो 63 के राइट आंसर की बात करूँ तो पुस्तकालय बजट कहलाता है। अगला प्रश्न है 64 नंबर, मात्रात्मक जानकारी जिसमें संग्रह विश्लेषण डेटा की व्याख्या हेतु प्रस्तुति का समावेश हो, ऐसे अध्ययन को क्या कहते हैं? पहला है सांख्यिकी, दूसरा है वर्गीकरण, तीसरा है सूचीकरण, चौथा है प्रलेखन। तो राइट आंसर सांख्यिकी। अगला प्रश्न 65, निम्नलिखित में से कौन पुस्तकालय समिति का हिस्सा नहीं है? पहला है पुस्तकालय विक्रेता, दूसरा है पुस्तकालय अध्यक्ष, तीसरा है शिक्षक, चौथा है वित्त अधिकारी। तो 65 के राइट आंसर की बात करूं तो पुस्तक विक्रेता। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय के संदर्भ में CDP से क्या तात्पर्य है? पहला है समुदाय विकास कार्यक्रम, दूसरा है संग्रह विभाजित नीति, तीसरा है सामान्य विकास कार्यक्रम, चौथा है संग्रह विकास नीति। 66 राइट आंसर है संग्रह विकास नीति। अगला प्रश्न है, डॉक्टर SR रंगनाथन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष किस वर्ष में थे? एक 1958, दो 1960, तीन 1957, चार 1961। 67 राइट आंसर 1957। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण इन दुर्लभ पुस्तकों को उनके मौलिक स्वरूप में ठीक वैसे ही बनाया रखा जा सकता है? पहला है समा अनुकूल अनुक्रमण, दूसरा है संरक्षण, तीसरा है स्वयं व्यवस्थित, चौथा है संगठित। महत्वपूर्ण इन दुर्लभ पुस्तकों को उनके मौलिक स्वरूप में ठीक कैसे बनाया रखा जा सकता है। 68 तो राइट आंसर है संरक्षण के द्वारा किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किसी कर्मचारी द्वारा आवंटित कार्य को समय पर अच्छी तरह पूर्ण करने पर कौन सी अनुभूति होती है? पहला है कार्य मूल्यांकन, दूसरा है कार्य अभिप्रेरणा, तीसरा है कार्य संतुष्टि, चौथा है कार्य विवरण।
राइट आंसर है, आप कोई अच्छा काम करेंगे तो आपके मन को संतुष्टि होगी, तो कार्य संतुष्टि। अगला प्रश्न है, मिलाना है इसमें। 70 नंबर क्या कह रहा है, पुस्तकालय के निम्न अनुभागों को उनके उपलब्ध सामग्रियों के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसको आप देख लीजिएगा किस तरीके से किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर मैं बता दे रहा हूँ, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2। ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इस तरीके से मिला लीजिएगा। अगला प्रश्न है, क्योंकि समय उसमें जो है काफ़ी लगेगा। 71 है, ISSN क्या दर्शाता है। पहला है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, दूसरा है इंटरनेशनल सीरियल स्टैंडर्ड नंबर, तीसरा है इंडियन स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, चौथा है इंडियन सीरियल स्टैंडर्ड नंबर। 71 तो राइट आंसर है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। अगला प्रश्न है 72, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। पहला है कुंजी पटल, दूसरा है प्रिंटर, तीसरा है माउस, चौथा है स्टाइल्स। 72 राइट आंसर है प्रिंटर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर हार्डवेयर निम्न में से किसके बिना कार्य नहीं कर सकता। हार्डवेयर की बात हो रही है, पहला है वाईफाई, दूसरा है इंटरनेट, तीसरा है सॉफ्टवेयर, चौथा है पेन ड्राइव। 73 तो जाहिर सी बात है सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर का कोई वो नहीं है। अगला प्रश्न है, कृत्रिम बुद्धि का प्रयोग यानी कि आईसी की बात हो रही है, प्रयोग करने वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित हैं, यानी कि आईसी का पीढ़ी किस कंप्यूटर में किस जनरेशन हुआ, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय, चौथी, पाँचवीं। तो राइट आंसर है आईसी कृत्रिम बुद्धि की बात हो रही है। 74 तो राइट आंसर है पाँचवीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की जो है इसमें हुआ है। माफ़ कीजिएगा, मैंने आईसी का नाम लिया, आईसी नहीं है, सॉरी एआई है, आर्टिफिशियल है। अगला प्रश्न है 75, आप पुस्तकालय इंटरनेट सेवा में www से क्या समझते हैं। पहला है वर्ल्ड वाइल्ड वेब, दूसरा है वर्ल्ड वाइड वर्क, तीसरा है वर्ल्ड वाइल्ड वर्ल्ड, चौथा है वर्ल्ड वाइल्ड वर्ल्ड। तो राइट आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न है, विनिसिस सॉफ्टवेयर को किसने विकसित किया, किसने विकसित किया। पहला है इन्फ्लिमनेट, दूसरा है निक एनआईसी है एनआईसी, तीसरा है यूनेस्को, चौथा है डेलनेट। 76 तो राइट आंसर है यूनेस्को ने विकसित किया। अगला प्रश्न है, सोल से क्या तात्पर्य है, सोल से क्या तात्पर्य है, सोल जो है सॉफ्टवेयर है। पहला है सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटीज लाइब्रेरी, दूसरा है सॉफ्टवेयर फॉर अनडेवलपमेंट लाइब्रेरी, तीसरा है सॉफ्टवेयर फॉर अर्बन लाइब्रेरीज, चौथा है सॉफ्टवेयर फॉर अंडर ग्रेजुएट लाइब्रेरी। 77 तो राइट आंसर है सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटीज लाइब्रेरी, इन्फ्लिमनेट के द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। 78 निम्न में से किस में अधिकतम मेमोरी स्टोरेज की क्षमता है। पहला है गीगाबाइट, दूसरा है किलोबाइट, तीसरा है टेराबाइट, चौथा है मेगाबाइट। 78 तो राइट आंसर है टेराबाइट, बीट, केबी, एमबी वगैरह इस तरीके से सीक्वेंस चलता है इसका, देख लीजिएगा आप। 79 रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक का प्रयोग पुस्तकालय में किस हेतु किया जाता है। पहला है सूचीकरण, दूसरा है अर्जन, तीसरा है परिसंचरण, चौथा है संदर्भ सेवा। RFID का प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर है परिसंचरण के लिए। अगला प्रश्न है, ईमेल यूजनेट गोफर WAIS सेवा क्या कहलाता है। पहला है इंटरनेट सेवा, दूसरा है प्रलेखन सेवा, तीसरा है
प्रतिलिपिकरण सेवा, चौथा है अनुवाद सेवा। 80 राइट आंसर है इंटरनेट सेवाएं। अगला प्रश्न है TQM से आप क्या समझते हैं। पहला है टोटल क्वेश्चन मेथड, दूसरा है टोटल क्वांटिटी मैनेजमेंट, चौथा तीसरा है टेक्निक ऑफ क्वेश्चन मैनेजमेंट, चौथा है टेक्निक ऑफ कैरी मेथड। तो राइट आंसर है टोटल क्वांटिटी मैनेजमेंट, ऑप्शन दो। अगला प्रश्न है ऑप्टिकल फाइबर प्रकाशित, ऑप्टिकल फाइबर किससे निर्मित होते हैं। पहला है फाइन ग्लास स्टैंडर्ड्स, दूसरा है तांबिक कतार, तीसरा है मिश्र धातु, चौथा है प्लास्टर स्ट्रिंग। कॉपर वायर, फाइन ग्लास स्टैंडर्ड, एलो पॉलिस्टर स्ट्रिंग। 82 तो 82 का राइट आंसर है फाइबर ग्लास स्टैंडर्ड। अगला प्रश्न है URL का पूर्ण रूप क्या है। पहला है यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक, दूसरा है यूनिफॉर्म रजिस्टर्ड लिंक, तीसरा है यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक, चौथा है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। 83 तो राइट आंसर है 83 का ऑप्शन नंबर 4 यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला प्रश्न है 84 सार्वभौमिक ग्रंथ सूची नियंत्रण की धारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई। पहला है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, दूसरा है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, तीसरा है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूट सन, चौथा है इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स। सार्वभौमिक सूची नियंत्रण UAP की ही बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा देख के जो है भड़किएगा नहीं आप लोग। तो IFLA के द्वारा प्रतिपादित की गई थी, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन IFLA। दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगा, राजस्थान में RPSC और कर्मचारी आयोग के द्वारा जो भी प्रोविजनल ईयर GK क्वेश्चन पूछे गए थे उनको भी चैनल पे उपलब्ध कराया जा रहा है, और चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं उसको, GK में, राजस्थान GK में जाके देख सकते हैं। तो उसे भी, उसको देखने से बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, आप इधर उधर ना घूम के सीधा टॉपिक टू टॉपिक क्वेश्चन को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है विनिसिस क्या है। पहला है SDI ISIS फॉर DOS, दूसरा है SDCDS, इंग्लिश में देख लीजिए सबसे बढ़िया रहेगा। पहला है CDSIS फॉर DOS, दूसरा है CDSIS विंडो वर्जन, तीसरा है CDSIS जावा, चौथा है WBLIS। क्या है 85 तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 CDSIS विंडो वर्जन। 86 है, इसमें भी जो है व्यवस्थित करना है कि क्या कौन सा है, तो इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ, आप इसका जो है स्क्रीनशॉट जो है ले लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो है समय काफ़ी लगता है। 86 का राइट आंसर है 4 इन्फ्लिपनेट सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क भी अपना मिलाते रहिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है 87 कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट हेतु टेलीफोन से जोड़ने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट हेतु टेलीफोन से जोड़ने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। पहला है कॉम्पैक्ट डिस्क, दूसरा है हार्ड डिस्क, तीसरा है मॉडम, चौथा है पेन ड्राइव। 87 तो राइट आंसर है मॉडम कहा जाता है, ये KBS में भी एग्जाम में आया हुआ है। निम्न में से 88 निम्न में से ईमेल पते का सही प्रारूप चुनिए। पहला है xyz@gmail.com, दूसरा है gmail.com/xyz, तीसरा है gmail.com@xyz, चौथा है xyz@gmail.com। 88 तो राइट आंसर है इसका XYZ, यानी कि आप कोई नाम वगैरह जो भी हो आपका, आप उस तरीके से ईमेल आईडी बनाते हैं, उसके बाद एट
लगा के gmail.com लिखते हैं, इधर में आपका नाम रखता है, उसके बाद कोई चीज़ रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ें रहती हैं, ये सारी जो है गलत हैं, चार सही है। अगला प्रश्न है 89, माइक्रोसॉफ्ट यानी कि MS ऑफिस किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? पहला है सिस्टम और उपयोगिता सॉफ्टवेयर, दूसरा है अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर, तीसरा है सिस्टम सॉफ्टवेयर, चौथा है उपयोगिता सॉफ्टवेयर। राइट आंसर है अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर। इंग्लिश में इसको देख लीजिए एक बार, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्योंकि हिंदी में थोड़ा खतरनाक खतरनाक वर्ड होते हैं। 90 है, निम्न में से सही श्रृंखला को चुनिए। पहला है जानकारी डेटा सूचना, दूसरा है सूचना जानकारी डेटा, तीसरा है डेटा जानकारी सूचना, चौथा है डेटा सूचना जानकारी। तो राइट आंसर, पहले डेटा रहेगा, सूचना होगा, उससे नॉलेज आएगा। अगला प्रश्न है 91, कंप्यूटर में हाल ही में हटाई गई फाइलें कंप्यूटर में कहाँ संग्रहित होती हैं? मुझे तो नहीं लगता है कि इससे आसान क्वेश्चन जो है इस पेपर में रहा होगा। पहला है रिसाइकल बिन, दूसरा है डेस्कटॉप, तीसरा है डॉक्स बार, चौथा है माई कंप्यूटर। 91, तो राइट आंसर रिसाइकल बिन में रहता है, एक टब की तरह सिस्टम पे पड़ा रहता है, वही रिसाइकल बिन है। थोड़ा इसको छोटा करना पड़ेगा, क्वेश्चन बड़ा है। पढ़ने की आदत एवं स्वयं शिक्षा की रुचि जागृत करना किसका उद्देश्य है? पहला विद्यालय पुस्तकालय एवं सार्वजनिक पुस्तकालय, दूसरा विद्यालय पुस्तकालय एवं चिकित्सा पुस्तकालय, तीसरा विश्वविद्यालय पुस्तकालय एवं सरकारी पुस्तकालय, चौथा तकनीकी पुस्तकालय एवं विशिष्ट पुस्तकालय। 92, राइट आंसर विद्यालय पुस्तकालय एवं सार्वजनिक पुस्तकालय का पढ़ने की आदत डालना। अगला प्रश्न है महाविद्यालय पुस्तकालय किस श्रेणी में आते हैं? पहला सार्वजनिक, कोई मतलब ही नहीं है, दूसरा है शैक्षणिक, तीसरा है राष्ट्रीय, चौथा है विशिष्ट। तो दोस्तों राष्ट्रीय नहीं है, विशिष्ट नहीं है, ऑप्शन दो करेक्ट है, शैक्षणिक। अगला प्रश्न है राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? ऑप्शन है 2006, 2005, 2004, 2003। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, राइट आंसर 2006। ये तो क्वेश्चन कई बार आ चुका है राजस्थान वाले पेपर में। 95, दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय दिल्ली की स्थापना हेतु किसके द्वारा वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग प्रदान किया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी, यही क्वेश्चन पूछ रहा है, कन्फ्यूज नहीं हुई है। पहला है इंटरनेशनल यानी कि इफ्ला, यूनेस्को, इंडियन एसोसिएशन यानी कि आइसलिक, और चौथा है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर रिसर्च ट्रेनिंग। तो और राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर दो, यूनेस्को के द्वारा किया गया था। 96, क्वेश्चन नंबर, भारत में सर्वप्रथम ग्रंथालय विज्ञान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम किस विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया? पहला है राजस्थान विश्वविद्यालय, दूसरा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, तीसरा दिल्ली विश्वविद्यालय, चौथा मद्रास विश्वविद्यालय। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ पे पीजी की बात कर रहा है, और ये सभी आप लोग जो है पढ़े हुए हैं, तो इसका राइट आंसर दिल्ली विश्वविद्यालय। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है मद्रास को जो है समझ रहे होंगे, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय है, क्योंकि MLIB MLIB की बात हो रही है, और BLIB अलीगढ़ मुस्लिम है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। राजस्थान विश्वविद्यालय का कोई योगदान नहीं है, मतलब एजुकेशन स्टार्टिंग फर्स्ट स्टेज में कोई योगदान नहीं है, BHU में कोई योगदान नहीं है, दिल्ली और मद्रास का, अलीगढ़ का, इन सब का है। चलिए देख लीजिए, हाँ एक चीज़ और, डीलीट उपाधि, डीलीट स्टार्ट करेगा उत्कल यूनिवर्सिटी। अगला है 97, भारत सरकार द्वारा राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? पहला है, ये तो शायद मैंने ऊपर बताया भी था, पहला है ये पहला ही क्वेश्चन है इसी से रिलेटिव, 1971, 1972, 1974, 1976, 97, राइट आंसर 1972। अगला प्रश्न है
डॉक्टर एस आर रंगनाथन के अनुसार पुस्तकालय विज्ञान का निम्न में से कौन सा चौथा नियम है? चौथा नियम बहुत ही आसान क्वेश्चन, पाठक का समय बचाएं, पुस्तकें उपयोग के लिए हैं, तीसरा पुस्तकालय संस्था का हृदय होता है, चौथा पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। तो ये तो पाँच हो गया, हृदय पुस्तकें उपयोग के लिए हैं तो ये भी नहीं है, तो क्या है? समय बचाएं, टाइम सेव द टाइम, है ना। अगला प्रश्न है 99, भारतीय प्रतिलिप्याधिकार यानी कि कॉपीराइट है, इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1952 में अधिनियम संख्या 13 के संशोधना अनुसार लेखक की मृत्यु के पश्चात प्रतिलिपि यानी कि कॉपीराइट कितने वर्ष तक वैध रहता है? देखिए, सीधा सीधा क्वेश्चन ना पूछ के यहाँ पे संख्या वगैरह क्या क्या जो है डाल दिया है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता तो कोई भी इसका आंसर बहुत ही आसानी से दे लेता, क्योंकि मुझे भी पता है कि आप सभी को पता है, लेकिन इसने जो है इधर उधर घुमा दिया है। तो 40 वर्ष, 51, 45, 60, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 60 वर्ष, लेकिन क्वेश्चन को इतना टप इसने दिखा दिया कि वैसे ही दिमाग खराब हो जाए। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय ग्रंथालय स्थापित है? भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय ग्रंथालय स्थापित है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थित है। तो दोस्तों इसके बाद जो है जीके के क्वेश्चन हैं, तो ये 100 क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कौन सा आपको प्रोवाइड कराऊँ अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ 2019 सितंबर में जो पेपर हुआ है उसको मैं लेके आप लोगों के लिए आऊँगा। तो बने रहिए चैनल पे, ख्याल रखिए अपना, धन्यवाद। चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखिए।